अभी इस सीजन का ये हमारा पहला हर टूर है। अभी हम इंदौर में आए हुए हैं हर्पिंग के लिए। हमारे साथ काफ़ी बड़ी टीम है। हम लोगों का जो मेन फोकस है वो सॉस्केल वाइपर के ऊपर है। सॉस्केल वाइपर यहाँ थोड़ा कम है बट रिपोर्टेड है, तो हम मेन फोकस सॉस्केल पे करेंगे। देन देखते हैं उसके साथ साथ कौन सी क्या स्पीशीज मिलती है। एम्फीबियन को भी रिकॉर्ड करेंगे, इंसेक्ट जो भी मिलते हैं उनको देखेंगे। अभी आगे चल के ये पूरे एरिया को चेक करेंगे। और इस एरिया में हाइना भी रिपोर्टेड है और लेपर्ड का भी मूवमेंट रहता है, तो अभी हम थोड़ा सेफली देखेंगे आसपास। भाई लाभ, यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में कुछ रॉक्स आएंगे, उनको फ्लिप करना है, वहाँ से टाइगर सेंटीपीड शायद। ओके, होता तो नहीं है कि रात में वो अंदर रहे, देख लेते पर चांसेस है। नहीं, एक ही रहा, अब यहाँ बड़े वाले दो आएंगे। करना है क्या इसको फ्लिप? हाँ करना है ना, बिल्कुल करना है। मैं करता हूँ। इसके नीचे मोस्टली स्कॉर्पियंस मिलते हैं। ओके देख, इसके नीचे ये कोई स्नेक जैसा है यार, देखना। स्किंक है क्या? स्किंक दिखा है या स्नेक है, देखना क्या है। ये स्किंक है? नहीं नहीं, ये सपल स्किंक है, सपल लाइन स्किंक बोलते हैं इसको, यहाँ पे कॉमन है। क्या है यहाँ पर? स्कॉर्पियन। भाई इसको छोड़ते हैं, आगे और मिल जाएंगे। ये वाला पत्थर हटा के देखते हैं, कुछ नहीं है, खाली है। या तो दो लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं बता देता हूँ कुछ कुछ अच्छे मेरे स्पॉट्स है। एक येरा पत्थर और एक ये वाला है, एक हम लोग छोड़ा है बड़ा, एक और था। इसमें कन्फर्म हमको मिलता है कुछ ना कुछ, साल में दो बार। आज अगर वो दिन है तो देखते हैं। तो दो तीन लोग मिलके इसको तो फ्लिप कर पाएंगे? अकेला इंसान कर लेगा? मेरे जैसा तो नहीं कर पाएगा। जिमर गाइस, हमारे सर को टेक्निक नहीं आती, बाकी मैं बता देता हूँ। हाथ नीचे मत कर, ये पत्थर यहीं से उठेगा, है ना? उधर जाना पड़ेगा आपको, हाँ हाँ। कुछ भी नहीं अभी, ये वार्म है, अर्थ वार्म से बस। इसमें कुछ नहीं है। कौन सा सेंटीपीड है भैया? ये ब्लैक सेंटीपीड है, यहाँ पे नॉर्मली बहुत ज्यादा मिल जाती है और इनका साइज मोस्टली ऐसे 5 इंचेस तक जाता है। एक इंसेक्ट है, ग्रास ऑपर है, ग्रास ऑपर यहाँ पर हीरा दिख रहा है, उधर आ गया। ये छोटा सा है बिल्कुल, वो ग्रीन ग्रीन में मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ये कारपेंटर एंट्स है और इनके यहाँ पे एग भी है, साइड में दिख रहे होंगे ब्लैक। यार मेरा रॉक एक, ये रहा, ये कैसे छूट गया? मिलता है आपको? हाँ, अभी नाइट टाइम है इसलिए शायद चांसेस कम है, बाकी स्कॉर्पियन अगर मिला है तो और में भी रहना चाहिए। ओके, कॉर्नर से एक बार देख लेना सारे। इसके नीचे अभी कॉर्नर्स में तो कुछ नहीं दिख रहा है, फ्लिप करके चेक करें। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, इजी है। खाली, खाली। आ गए क्या वो लोग? हम लोग लगभग 1.5 घंटे से यहाँ सॉस्केल वाइपर को ढूंढ रहे थे और अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिली थी। तभी सडनली हमें हमारे ग्रुप के कुछ लोग भीड़ बनाए हुए दिखते हैं, तो हमें लगा कि वहाँ पे उन्हें सॉस्केल वाइपर मिल गया है। तो हम जैसे उनके पास पहुँचते हैं हमें कुछ ऐसा दिखता है। अरे वो ऐसा काटा गड़ा है भाई, कितने महीने पुराना काटा है? 6-7 महीने हो गए यार जूते पहने को। यहीं का ही काटा है, यहीं का काटा है, घर का ही है। अभी निकलेगा तो पता चलेगा ना भाई, उस पे लिखा रहता है भास्कर पर्वत का काटा। अब तो निकल जाएगा। अरे हमने नीडल तोड़ दी, पता नहीं क्या क्या चीज था वो। अरे बमूर का काटा है, हो गया पूरा बात। खा के देख तो। क्या चीज यहाँ पे आया है ना? अरे वो क्या स्पॉट भी ना एकदम मस्त मजे से हुआ था। अच्छा, अपने भाई के दोस्त के साथ आया था, उसको बस ऐसे ही सिखा रहा था, वो नॉन वाइल्ड लाइफ है, हॉबिस्ट है थोड़ा, तो उसको बस ऐसे ही बता रहा था कि स्कैन कैसे करते हैं। पहले मैंने कर लिया, मुझको तो कुछ भी नहीं दिखा, फिर मैंने उसको बोला कि अब तू करके बता, तो वो बस स्कैन कर रहा था, वो बीच में दो आँखें चमकी, उसने कर लिया, फिर मैंने बोला अरे टॉर्च दे टॉर्च दे, फिर वापस से स्कैन करा, मैंने बोला अरे ये तो भाई ना ही है, अलग ही लेवल पे। हाँ मतलब उसका शेप भी दिख रहा था ना। हाँ तो मस्त था, वल्चर्स भी काफी इधर। ओके, वल्चर्स दिन में दिखेंगे अपन को। तो अभी इस लोकेशन पे भैया लोगों ने हाइना को देखा हुआ है। हाइना डेंस में रहता है, बट अगर गांव वाले कभी अपने कैटल जो मर जाते हैं उनको यहाँ पे डाल देते हैं तो उनको खाने के लिए इस साइड आ जाते हैं। बाकी हाइना यहाँ पे रिपोर्टेड है, भैया के पास डॉक्यूमेंटेड भी है, कुछ भी मिल सकता है, देखना पड़ेगा। हाइना भी मिल सकता है, हर्पिंग तो अपना चल ही रहा है, चेक करते हैं अभी क्या क्या मिलेगा यहाँ पे।
पत्थर होंगे ना तो क्रैब्स मिल जाएंगे बहुत मात्रा में। बीटल है यहाँ पे कोई सा? ये घास में चला गया, छोटा सा बीटल था। देखिएगा क्या ये जा रहा है, यहाँ कहीं था गया। ये वाला रॉक करना है क्या भास्कर भैया? यहाँ पे जितने जो बड़े बड़े हैं जो फ्लिपेबल है और ये कुछ एग है क्या? पता नहीं क्या है, बीटल था क्या अभी? हाँ वो तो चले गया, वही कॉमन ही था नॉर्मल वाला। ये क्या है? टर्माइट्स है, अभी तो टर्माइट दिख रहे हैं लेकिन आई एम होपिंग हमको आगे टर्माइट हेल्प गेको भी मिल जाए। अरे आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, टाइगर फ्रेंड के लिए। ओके तो ये टाइगर सेंटीपीड है, रॉक के नीचे जा रहा है वो। यहाँ पर टाइगर सेंटीपीड है रॉक के नीचे, आराम से उठा। ये वेनमस होती है? हाँ। ह्यूमंस के लिए भी दिक्कत? खैर ह्यूमंस के लिए अभी तक मतलब पता नहीं चल पाया, पर इतनी वेनमस नहीं होती कि ह्यूमंस को मार पाए। हाँ मतलब अगर काट लिया तो फिर दर्द तो बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। अच्छा। हाथ भी सूज सकता है। वैसे सिम्टम्स अभी तक किसके पता तो नहीं है किस टाइप का वेनम है और ये सब कुछ भी नहीं पता है। ओके। ओ क्या साइज है ना, ये तो सेमी एडल्ट है, सेमी एडल्ट भी नहीं है। इससे भी बड़े होते हैं? वेनमस है, इंटेंस पेन होता है बस, डेथ नहीं होती है इनके काटने से। ओके। बाकी ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल स्पेसिमेन है सेंटीपीड का। हाँ। ओके। ये टाइगर सेंटीपीड मतलब वर्ल्ड में इतने सुंदर और कोई सेंटीपीड नहीं होते हैं। अच्छा। इसका कलरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है इस, ये क्योंकि वाइब्रेंट बहुत ज़्यादा है। ओके। यहाँ पर दादा एक गेको है। दादा कौन सा? टर्माइट हिल गेको। टर्माइट हिल गेको काफ़ी बड़ी साइज का है। अच्छा साइज का है? बहुत ज़्यादा, ये फुल एडल्ट है। फुल एडल्ट? ओके। फुल्ली ग्रोन एडल्ट। दादा ये लो एक और मेहमान, यहाँ पे एक और गेको की रोड क्रॉसिंग। ये ब्रुक्स गेको है, ये हाउस गेको जितने बड़े हो जाते हैं इजीली और ये मोस्टली जंगल के एरियाज में मिलते हैं। इनकी भी डाइट यही छोटे इंसेक्ट्स और टर्माइट्स खाते हैं ये लोग भी। दादा क्या हुआ? और वीवर है वो ना फीड कर रहा है। फीड कर रहे? हाँ। ये भास्कर क्या है वहाँ पे? वही सेंटीपीड ही है। ये अभी फीड कर रही है क्या? हाँ हाँ, और वीवर स्पाइडर है ये। ये अभी थोड़ा छोटा साइज है और बड़े साइज अभी मिल सकते हैं हमको रूट पे। सिग्नेचर स्पाइडर अभी तक इस लोकेशन पे नहीं मिला है। ये क्या आवाज़ है लेफ्ट से जो आ रहा है? यहाँ पे जैकल्स है। हाँ यहाँ जंगल कैट भी है। चेक करके आते ना, सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। मैमल से तो उनको ऐसा मैंने नहीं सुनी अभी तक आवाज, मेरे को सुननी है। बहुत क्लोज है भाई, बहुत पास है। ये सब शांत रहने के, एक लाइट चालू रहने दो। चेक करते ना, चलो ना। आप इतने की पेरी फेरी में टाइगर लेपर्ड बहुत है, बहुत है और इस एरिया में भी है। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा पानी का कुंड होना चाहिए तो पैर देख लेना गीले हो सकते हैं एकदम से, ये तो सूखा हुआ है। मुझे यही एरिया का लग रहा है। हाँ मतलब इसी एरिया से इसी एंगल पे था। आधे लोग यहीं पर खड़े रहेंगे, आधे लोग जाएंगे। हाँ चलते हैं रूट पे, चलते हैं अपने, वो लोग आ ही जाएंगे रिटर्न। उतना डीप जाके मतलब नहीं, अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो तो भाग चुकी रहेगी। मिल सकता है, रेप रेप हो सकता है। हाँ भाई इधर अंदर चलते हैं ना। कहाँ पे? अंदर। नहीं नहीं हमको इसी रूट में जाना है। अच्छा आगे यहाँ पे बहुत मैमल है, अगर हम ट्राई करेंगे अभी शायद स्पॉट भी हो जाए, क्या पता हाइना भी आ जाए। ये कौन सा स्पाइडर है देखना? स्पाइडर में भी दो या तीन ही स्पीशीज है यहाँ पे। हाँ हाँ ऐसे तो बहुत सारी है, इस एरिया में ज़्यादा नहीं है। ये कौन सा स्पाइडर भाई देखना, ये मतलब जस्ट यहाँ पे है स्पाइडर। कहाँ पर? इतना दिखता नहीं है। ओके ये फिशिंग स्पाइडर है। ओके डूड क्या साइज है, बड़ा साइज का है क्या? हाँ कॉमन है। ये इस जगह पे नहीं होना चाहिए, ये पानी के आसपास होना चाहिए।
ये मोस्टली ऐसे छोटे टैडपोल्स फिशेस खाते हैं, तो इस एरिया में अभी ड्राई में मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है। टैडपोल हंट कर लेता है? हाँ ये आराम से। ये क्या है? यहाँ की आवाज़ आ रही है, यहाँ कहीं है, चुप हो जाओ, वो रख यहाँ है, ये रख। ये मोड़ा इधर पे जा रहा है, सेंटर व्यू से वो इधर आ, किसी चीज़ को देख के कॉल दे रहा है। क्लियर जेकल तो थोड़ा सा आगे आ गया है। ये देखो कॉलिंग। हाँ ये क्या? अरे हाय ना इंडियन स्टाइप है ना, इधर गया, यहाँ पर इसी को ये तो वो है। यही आईना क्या था, मैं आगे देखता हूँ आराम से, बिल्कुल ये रहा। नहीं ये रहा बैठता शायद, नहीं वो आईना था, कितना बड़ा इधर, राइट में कर गया लग पूरा लेफ्ट में, देखो क्या है, अरे पूरा आईना, ये रहा है ना, पूरा आईना इंडियन स्टाइल है ना, बहुत क्लोज है, बच्चा है क्या? नहीं तो जैसा कि अभी हम लोग बोल रहे थे आईना यहाँ पर, और हमें आईना दिख गया है, जयकार उसके पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे। कैसा लगा पहली बार आईना देख के भाऊ? बहुत अच्छा लगा। आपके मेरे तो फोन में भी आया वीडियो ना। हाँ, प्रॉपर वीडियो आया है। इन लोगों ने जो आवाज़ सुनी थी वो जंगल गेट की नहीं थी, कुछ जयकाल कॉल दे रहे थे, तो जैसे ही उन जयकाल पर टॉर्च मारी वहाँ पे एक स्ट्राइप डायना दिखा, और स्ट्राइप डायना हम लोगों को देखकर थोड़ा भागा। जैसे ही मैंने लेंस चेंज करके अपना 200-600 लगाया, तब तक वो स्ट्राइप डायना दूर जा चुका था, और उसका क्लियर मेरे कैमरे में तो वीडियो नहीं आ पाया, बट सभी के फ़ोन में वो वीडियो आया। बहुत कमाल का वीडियो, बहुत कमाल की साइटिंग हुई है। मतलब आप हर्पिंग करने आए हो और इस तरह का आपको मैमल दिख जाए, जो कि नॉक्टर्नल है और बहुत ही रेयरली दिखता है और बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, तो क्रेजी हो चुका है। हर्पिंग में भी हमें बहुत कमाल की स्पाइडर्स मिल चुकी हैं, कुछ गेको मिल चुकी हैं, हमें स्कॉर्पियन मिल गया है, हमें बहुत ही सुंदर टाइगर सेंटीपीड मिल गया है, जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर सेंटीपीड होता है, जैसा मुझे बताया टीम ने, और अभी वो लोग आगे कुछ देख रहे हैं, तो देखते हैं। हाइना मोस्ट प्रोबेबली फिर से हमें मिल सकता है, पहला दिन और पहले दिन में ही हर्पिंग के अंदर अगर आप हाइना ढूंढ लो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर लेपर्ड के भी चांसेस हैं, सो लेट्स सी कुछ हमें मिलता है इसके बाद। तो इंडिया में तो स्ट्रिप भी मिलता है ना, है ना, ये इंडियन स्ट्राइप डायना ही क्यों था जो हमने रेस्क्यू किया था सर वगैरह ने, वही नहीं कुछ है यहाँ पे बड़ा था उसका क्या करा यहाँ पे, ये कहाँ पे इसके आगे इतना बड़ा करी घास के अंदर हो तो सकता है रेट हो बुश रेट या स्नेक नहीं था स्नेक नहीं रेट होगा रेट है ओके दिख रहा है क्या मतलब रेट मतलब चूहा वाला की रेट स्नेक रुको इधर नहीं चूहा ही नहीं मिला ना इधर भैया को दिखा नहीं मिला तो रेट ही था वहाँ पर क्या लगता है भास्कर भैया आज अपन को 100 स्केल मिलेगा यार? अब मैं तो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ में ऐसा कुछ वो करके ही नहीं चलता मैं नहीं फिर भी क्या लगता है हो सकता है लग आज कई बार मिला है क्योंकि आपको तो हाँ यार अब लग अच्छा ही जा रहा है साथ में ही जा रहा है तो मिल सकता है 100 स्केल दो चलो ढूंढते प्लीज कोबरा या रेड स्नेक तो मिल ही सकता है ओके कोबरा यहाँ है नाइट में भी कभी कभी दिख जाते हैं क्या हाँ रेड स्नेक मतलब नाइट में ही बहुत कॉमनली दिखते हैं मतलब मुझको यहाँ भाई कोबरा मिला है क्या कोबरा लो अभी हम कोबरा की बात कर रहे हैं कोबरा की अरे फक कितना बड़ा है छोटा है छोटा क्रॉसिंग में मिला है अभी हम लोगों को यहाँ पर एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी मिला है तो ये रोड क्रॉस करके आ रहा था तो ये क्रॉस नहीं कर पाया जस्ट बाहर निकला और पैरों से डरकर ये हुड बना के बैठ गया काफ़ी सुंदर बेबी है जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक की तरफ थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कोबरा फ्रेश एचलिंग है हफ्ते भर का होगा या 15 दिन का मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आसपास और भी स्पेसिमेन मिल सकते हैं कोबरा के बेबीज तो अभी ये कोबरा क्रॉसिंग करने वाला था बट हम लोगों से डिस्टर्ब हो गया है तो अभी हम इसको स्टिक से क्रॉस करा देंगे उस साइड में ताकि ये सेफली चला जाएगा ये हाईली वेनमस है अगर अभी भी ये किसी को बाइट करता है तो आसानी से जान ले सकता है काफ़ी गुस्से में अभी है
डर गया है, अभी यहाँ छोड़ देंगे तो आराम से चला जाना चाहिए। थोड़ा सा मूवमेंट नहीं करेंगे ये जाने लगेगा। तो यहाँ पे चला गया आराम से। पहला स्नेक कोबरा मिला अपन को, अभी देखते हैं आसपास में और क्या मिलता है। सो स्केल भी मिल जाना चाहिए क्योंकि अभी हर्पिंग बहुत अच्छी जा रही है। सेंटीपीड्स भी मिल चुके हैं कुछ, और स्कॉर्पियन भी दिख गया है, हाइना दिख गया है, स्नेक से भी स्टार्टिंग हो गई है, हम लोगों को स्पाइडर भी काफ़ी दिखी है। अब देखते हैं अगर सौ स्केल मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पत्थर उठा रहे हैं, क्या सीन है? माइक्रो हाइला है। व्हाट इज इट? माइक्रो हाइला। ये क्या? फ्रॉग। फ्रॉग है। कहाँ पर? ये इनका एडल्ट साइज है, माइक्रो हाइला है इसका नाम। और ये मोस्टली ऐसे थोड़े से वेट एरियाज में ही मिलते हैं, ये टोड जैसे ड्राई एरियाज में नहीं मिलेंगे। बाकी इनके पास सारे फ्रॉग्स और टोड्स में पॉइजन ग्लैंड तो होता ही है। थोड़ा सा वाइट कलर का कुछ तो लिक्विड रिलीज करते हैं ये लोग, इनका पॉइजन ग्लैंड होता है जो स्नेक्स का भी जैसे उनके नेक पे रहता है वैसे टाइप का, इनका भी नेक में ग्लैंड्स होते हैं तो ये अगर ज़्यादा छेड़ो तो रिलीज करते हैं ये लोग। जैसे अपना रेड नेक कील बैग जो है उसमें होता है। हाँ, ये जो कील बैग से वो मोस्टली फ्रॉग से ही जो पॉइजन आ रहा है वो स्टोर कर लेते हैं, उनमें खुद का पॉइजन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर हमें एक फ्रॉग भी मिल गया, काफ़ी अच्छी जा रही है अभी हमारी हर्पिंग। आगे चल के देखते हैं और क्या स्नेक्स मिलते हैं। ये ग्रास ऑपर नहीं है, ये कैटिडेट है, हिंदी में झींगा। वैसे तो झिंगुर उसको ब्लैक वाले को बोलते हैं ना, क्रिकेट होता। हाँ, झींगा तो एक्चुअली प्रॉन मछली को बोलते हैं। हमें हर्पिंग करते हुए 4 घंटे हो चुके थे और अभी तक हमें कई मैमल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल मिल चुके थे, लेकिन अभी तक हमारा मेन टारगेट सौ स्केल्ड वाइपर हमें नहीं मिला था। तो क्या आज की रात हमें सौ स्केल्ड वाइपर मिलता है, इसे जानने के लिए आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना रहेगा।